त्रिशा जी, जी आप एक सेलिब्रिटी के साथ काफी ज्यादा नजर आए, खास करके खेसारी लाल यादव जी के साथ जी। बहुत ज्यादा वीडियो आपने हिट दिए, उनकी एक फिल्म आ रही है जी। अब आप मीडिया में हाईलाइट आ चुके हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, लिट्टी चोखा उनकी फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? त्रिशा कर इसको कैसे देखती है? सबसे पहले खेसारी जी को कांग्रेचुलेशन पहले से ही एडवांस की आपका फिल्म जो बिहार का फेमस खाना है लिट्टी चोखा वो है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और शुभ अवसर। दुर्गा पूजा हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े पूजा, और खास करके मैं बंगाली हूँ, मुझे पता है दुर्गा पूजा कितना मान्यता रखती है एक हिंदू धर्म के लिए। और सबसे बड़ा चीज़, सबकी पूजा है, इंडिया वाले सबके पूजा है ये दुर्गा पूजा। और काफ़ी ज़्यादा जो जो जिस जिस सिनेमा घरों में ये मूवी रिलीज हो, बहुत बहुत पहले से मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मैं जैसे ही इंटरनेट में आएगी मैं उस चीज मूवी को पहले देखूंगी। मैं हमेशा देखती हूँ भोजपुरी मूवी और मुझे वहीं से सीख मिलती है। कांग्रेचुलेशन खेसारी जी को, और मैं चाहती हूँ ये मूवी सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए, तोड़ फोड़ मच जाए, एकदम इतना काफी हिट हो जाए कि जैसे खाना हिट है वैसे ही मूवी भी इतना हिट हो जाए। क्या टाइम निकाल कर आप थिएटर में जाना पसंद करोगे खेसारी जी की फिल्म में? तो मैं काफी दिनों के बाद, हाँ, थिएटर जाना पसंद करूंगी, एकदम जाऊंगी। अगर मौका मिलेगा तो थिएटर जरूर जाऊंगी, अगर नहीं भी जाऊंगी तो जैसे ही मोबाइल पे इंटरनेट पे छा जाएगा मैं कहीं से कहीं डाउनलोड करके उस मूवी को घर ही बैठे आनंद ले लूंगी। क्या कहना चाहेंगे, अब स्टार्ट कर चुके हैं तो क्या खेसारी जी के साथ कोई प्रोजेक्ट पे बात हुई है या फिर अब करने वाले हैं साथ में कुछ ऐसा? मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ और बैक टू बैक बात हो रही है। मैं सब चीज़ों से दूर चली गई थी, बहुत दूर चली गई थी, बस कम बैक किया हूँ। तो अगर उनकी कृपा होंगे तो जरूर करेंगे, और हमेशा हिट किए हैं, हमेशा हिट करेंगे। और बात रही ये, उनका हिट मशीन सब लोग बोलते हैं, उनके साथ हम जुड़ जाएंगे तो और हिट हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ने ना चाहते हुए भी मुझे बहुत हिट कर दिया है, है ना। तो उन लोगों के लिए भी ये बोलूंगी कि जैसे मुझे हिट किए ना चाहते हुए, आप चाह के उनको हिट कर दीजिए, वो हिट है और भी हिट है। मूवी को हिट करना है, मूवी को बहुत बहुत मेरे तरफ से, मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि ये मूवी इतना हिट हो जाए कि जैसे कि अष्टमी के दिन हमारे कोलकाता में बहुत बड़ा पूजा, वैसे बहुत बड़ा ये मूवी बने और इतिहास बन जाए। लिट्टी चोखा के जो डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, प्रोड्यूसर हैं प्रदीप के शर्मा जी जिन्होंने फिल्म बनाई, काजल राघवानी जी हीरोइन है, क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए बहुत बहुत बधाई, आप लोग ने इतना अच्छा टाइटल रखे हैं। मैं खेसारी जी को जानती हूँ, काजल जी को जानती हूँ, कभी कभी मिली भी हूँ, और खेसारी जी से के साथ मैं काम भी की हूँ, तो नो डाउट वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब वो बहुत मेहनत से काम करते हैं तो मैं जानती हूँ ये मूवी तो बहुत अच्छी बनी ही है। और जिन लोगों ने सोचा, जो प्रोड्यूसर इस मूवी को बनाए हैं, जिन जिन लोगों ने इस मूवी में मेहनत किया, सबको बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा मूवी बनाने के लिए और काफ़ी अच्छा टाइटल रखने के लिए। और हाँ, उन लोगों के लिए जैसे खाना स्वादिष्ट है, डेफिनेटली मैं इतना श्योर बोल सकती हूँ मूवी भी उतना ही टेस्टी बनने वाला है, मतलब मसालेदार बनने वाला है। तो जरूर जाइए देखिए खेसारी जी का मूवी लिट्टी चोखा, और खेसारी जी 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख सिनेमा घरों में जाके एकदम बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई भी काम रहे लेकिन थोड़ा वक्त तो बनता है भोजपुरी स्टारों के लिए, क्योंकि आप लोग भोजपुर से हो, तो मूवी जाइए देखिए और बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दीजिए, मूवी को हिट बनाइए। और सबको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन खेसारी जी, काजल जी और पराग पाटिल जी और प्रदीप के शर्मा जी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा मूवी बनाने के लिए। और मुझे पक्का पता है मूवी सुपर डुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हिट बनने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू, वेलकम।